अल्लाह का एक कार्यक्रम रखा गया है तो भी आपकी फैटिलिटी के द्वारा आई मीन सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स को जो अहमियत दी जाती है उससे बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहना, और ये सब चीज़ें के थ्रू अगर आप किसी को हेल्प कर सके उसमें बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि आपको मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ सब एट द सेम टाइम मिल रही है। तो हाँ, बस यही रीज़न है मोस्टली, मेनली जो है, और मोर देन एनी थिंग कोरियोग्राफर्स है जिनके साथ हम इतना काम करते हैं, और आई मीन जितना सीखते हैं, तो ये थोड़ा सा हमें चांस मिला कि यहाँ रहने का और उनकी गेम्स देखने की, तो मज़ा आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ कोरियोग्राफर भी नहीं है इसमें, असिस्टेंट कोरियोग्राफर है और डांसर्स भी है, ये सब मिल के कर रहे हैं। मेरी एक ही विनती है हमारे गवर्नमेंट से कि ये जो कोरियोग्राफर्स है, असिस्टेंट्स और डांसर्स, इन पर ध्यान दिया जाए। ये वो वर्कर्स है जो अपने बदन को जलाते हैं, फिजिक को जलाते हैं, और इस पॉइंट पे आते हैं। आज अगर फुटबॉल खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे, तो इनको उस चीज़ में बहुत सपोर्ट करना चाहिए, आपको आगे बढ़ाना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जब एक एज के बाद बदन घिस के वो कुछ कर नहीं पाते, तो शायद ये यूनियन है, ये गवर्नमेंट्स है, वो उनके लिए कुछ करे। इसीलिए ये प्रोग्राम रखा है अभिमन्यु और संजय, हम लोग आए हैं यही सोच के कि मदद मिले गवर्नमेंट के तरफ से, हमारे जो यहाँ पे डांसर्स है और जो असिस्टेंट कोरियोग्राफर और कोरियोग्राफर्स है जो इतना मेहनत कर रहे हैं। कई लोग हैं जो सिर्फ देख रहे, यंगस्टर्स खेल रहे, इनको बहुत सारा मदद चाहिए आगे जाके फ्यूचर के लिए, क्योंकि अभी 5 साल के बाद, 10 साल के बाद शायद ये वो डांस नहीं कर पाए या इतनी कोरियोग्राफर्स, असिस्टेंट कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर्स। तो और ये जो इवेंट रखते हैं, कभी क्रिकेट होता है, कभी फुटबॉल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ये सब एकजुट हो रहे, ये बहुत अच्छा है। ये एकता हो, हर डांस मास्टर, हर असिस्टेंट कोरियोग्राफर और डांसर्स ये सोच ले कि हम एक हैं, और गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, उनके यूनियन पे ध्यान दे, उनके लोगों पे ध्यान दे, तो बहुत बड़ी बात होगी। नहीं ठीक है सर, सब ठीक है, उनसे बात करके कि उन्हें को क्यों क्रेडिट नहीं दिया जाता है, कई बार फिल्मों में क्रेडिट नहीं मिलता है, साथ ही साथ आगे तरह का पेंशन या इस तरह की चीज़ें स्कीम से लोगों को जोड़ सके। मैंने जो कहा ना कि गवर्नमेंट ध्यान देगी तो सब कुछ उसमें आ जाएगा, एक ही चीज़, मैंने डायरेक्ट मुद्दे पे बात की, वो नाम की पेंशन इस पर नहीं। अगर डांस मास्टर, डांस जो बदन को, इवन नॉट डांसर्स, फाइटर, जूनियर आर्टिस्ट, लाइटमैन, जो अपने बदन को जलाते एक एज के बाद, उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो हर यूनियन पे गवर्नमेंट का ध्यान हो, उनको उनकी मदद करें, उनको इंश्योरेंस दें, उनको मेडिकल दें, उनको बहुत सारी चीज़ें करें, गवर्नमेंट ध्यान दे, क्योंकि ये एक ऐसा जॉब है, ये ऑफिस का जॉब नहीं है कि 8 घंटा बैठे 12 घंटे, ये 12 घंटे सुबह से लेकर रात तक अपने बदन को जलाते हैं। तो ये इनके लिए बहुत 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 सारी चीज़ें होनी चाहिए, जो मैं सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, मैं जितने हमारे बड़े बड़े स्टार्स हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने मतलब इनके आगे रह के काम किया है, डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है, आर्टिस्ट है, ये ध्यान दें वो वर्कर्स पे, उनके लिए बहुत कुछ करें। ये जो इनोसेंट इन लोग फुटबॉल का ले रहे, क्रिकेट का ले रहे, वैसे मैं चाहता हूँ कि बड़े बड़े स्टार्स, डायरेक्टर पूरे इंडिया में वो शोज करें, उधर से फंड आए, उधर से इनकी मदद करें, इनको हेल्प करें, जितना इनको मदद करें उनका फिजिकली, उनको आगे जाके उतनी मदद मिलेगी। सर, मास्टर जी ने तो बहुत कुछ कह दिया है, इनफैक्ट अभिमन्यु ने बहुत कुछ कह लिया। मैं को इतना ही बोलना है कि इफ्टी का ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये अभी जो इन्होंने ये जो फुटबॉल मैच किया है ना ऑर्गेनाइज, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम हमेशा क्रिकेट करते करते रहते, तो अभी इस बार फुटबॉल किया। अभी फुटबॉल के लिए एक रीज़न था कि यहाँ पे कुछ फंड्स जमा हो जाए, और यहाँ के हमारे जो पुराने डांसर्स हैं, जितने थोड़े से एजड डांसर्स हैं, वो लोग घर पर बैठे हुए, तो उनको कुछ धनराशि मिले। एंड मैं जैसे सर ने बोला वो बराबर है, आज हम सबको एक कोरियोग्राफर को एक हमेशा एक
दर्जा चाहिए होता है जो हमको नहीं मिलता है आजकल। मतलब आज एक फिल्म बनाने के लिए कोरियोग्राफी भी बहुत ज़रूरी है, एक गाने की बहुत ज़रूरी होती है, तो उसमें कोरियोग्राफी की बहुत ज़रूरत होती है। तो वो हमको उसका वो बोलते ना नाम नहीं मिलता है, वो चीज़ का हमारा नाम जुड़ता नहीं, जब मेन एचओडीज में कभी नाम ऐसा जुड़ता नहीं जैसा जुड़ना चाहिए। अभी मास्टर जी है, बहुत सारे कोरियोग्राफर्स हैं हम लोग, लेकिन हम लोग का नाम एकदम एंड में आता है नहीं आता है, कभी कभी आता भी नहीं है। मैं तो कितने बार ट्रेलर्स में देखा, सिर्फ प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो गया, अब इनका हमारा नाम आता ही नहीं है। भाई मास्टर जी इतना गाने करते, और मेरे को बताओ एक पिक्चर में एक गाना हिट होता है, फिर पिक्चर फ्लॉप होती है लेकिन गाने हिट होते हैं, मुझे बताओ। तब सब नाम बोलते हैं गाना अच्छा, गाना अच्छा, गाना अच्छा, क्योंकि क्योंकि इन्होंने ऐसा कोरियोग्राफ किया, लेकिन इनका नाम किधर है? मतलब नाम आता ही नहीं है। वो नाम बहुत ज़रूरी है हमको, और मास्टर जी जैसे बोले कि गवर्नमेंट को भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा भी उतना ही योगदान है यू नो एक पिक्चर बनाने के लिए। जैसे प्रोड्यूसर लोग तो बहुत पैसे कम बना लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, इन लोग को वही जो हमको जो डेली वेजेस का है वही हमको मिलता है, दूसरा कुछ मिलता है। लेकिन वही बोल रहे नाम मिल जाए तो अच्छा है, काम को तो चलो पैसे तो मिलते हैं लेकिन नाम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इफ्टिका को मैं कंग्रेचुलेट करूँगा, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की ये ऑर्गेनाइज करने के लिए, एंड मतलब हमारे जो कमिटी मेम्बर्स है सारे लोग ने बहुत मेहनत की इस चीज़ को, एंड उसके लिए मैं बोलते ना तहे दिल से उनको बहुत बहुत ना शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मेरी एक फिल्म आ रही है एंड ऑफ द ईयर, नौ सीखिए, जिसमें श्रेया धनवंतरी है और मोल पराशर है, लायंस गेट ने प्रोड्यूस की है, उनका फर्स्ट बैच ऑफ फिल्म्स जो इंडिया में प्रोड्यूस किया वो है, रेडी है, बस रिलीज़ की वेट कर रहा हूँ। तो एक बार वो हो जाएगा फिर मैं आगे दूसरे की बात कर सकता हूँ, पर अगले साल भी दो है। मेरे तो अभी पुष्पा टू आ रही है, बहुत बड़ी। जितने भी कोरियोग्राफर्स है उनकी यूनिटी बनाने के लिए हर दो महीने में हमारे जो सीनियर मेंबर्स है, जो नीडीज मेंबर्स है, जिनके फैमिलीज में कुछ प्रॉब्लम है, तो इस इवेंट के फ्रेश टीम आई है। इससे पहले भी हम लोग कमेटी में रह चुके हैं काफ़ी टाइम पहले, बट तभी भी हम लोगों ने अभी पिछले साल सभी लोगों को पहुंचा, उसके बाद में हमने 3000 किया, फिर हमको नहीं मिली, वो बेनिफिट नहीं मिल पाया, लेकिन हम पूरे रहे। लेकिन हम प्रोफेशनल को प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम जो 10 रुपये लेते थे अब यहाँ पर नहीं बढ़ पा रहे, और साउथ की जो कंपनी है वो आगे बढ़ रही है, उसका यही रीज़न है कि हमारे किसी भी काम की सेफ्टी गारंटी गवर्नमेंट कट के जाता है उतना ही, हम तो उतना ही देते हैं गवर्नमेंट को, तो हमको ये अलग सुविधा आती थी तो बॉलीवुड यूज टू लाइक पहले खड़ा हो जाता था कि ये फलाने ने इतना ये किया, ऑर्गेनाइज किया, अब आप हमको ही दूर कर लिए तो उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है। अभी बॉलीवुड इज़ गोइंग डाउन बिकॉज ऑफ ऑल दिस रिस्ट्रिक्शंस। एक और बोलना चाहेंगे, परेशान नहीं है, डायरेक्टर है, म्यूजिशियन है, सब लोगों का है, सब डिपेंड, कोरियोग्राफर का नामो निशान नहीं, जबकि 1950 या 40 से भी अगर जब से फिल्म चल रही है तब से डांस गाना चला ही आ रहा है, लेकिन उसके लिए उसका किसी का भी मान सम्मान कुछ एचओडीज बोले जाते हैं वो अगर ध्यान दे देंगे ना, ये सारा प्रॉब्लम सारे जो नाम है, जो भी फीस हम क्या लेते क्या देते वो अलग चीज़ है, हाँ वो कोरियोग्राफर की ओर जाता है। ऐसे बहुत गाने हैं बॉलीवुड में जिसके वजह से हम लोग कोई भी गाना बजता है तो आम जनता भी करता है या कोरियोग्राफर उस गाने को प्लान करता है, डिज़ाइन करता है, तो उसको वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिलता है? अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर भाई भाई मर्चेंट हैं, मतलब उन लोगों का है ना, मतलब वो स्टेप हिट हो जाता है, कई बार है ना नाम नहीं दिया जाता है, तो ये समझ में नहीं आता है कि वो क्यों करते हैं। तो और कनेक्ट करके सबको एक साथ जोड़ के एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा टीम है वेलिंगटन फीनिक्स और मैं इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन कोरियोग्राफर एसोसिएशन को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हम लोग को इनवाइट किया है और यहाँ पे आके हमारा तजुर्बा काफ़ी अच्छा रह चुका है। एग्जीबिशन मैच खेलने के सामने, आप लोगों के सामने प्रदर्शन करना, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है, तो उसके लिए मैं उनके सेक्रेटरी जीत सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा और मेरी टीम के तरफ से और मेरी तरफ से इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन कोरियोग्राफर एसोसिएशन के लिए तालियां होना चाहिए प्लीज़। थैंक यू सर।
I will speak in English because that's my strong point. And we were invited by the by the Indian Film. Please, the camera should be there. Indian Film and Televisions, and you know, Association, which was a wonderful invitation for us because we are playing almost after a break of almost a year. Mr. Jeet has been very nice to invite us, and I will carry on speaking, but first I want my team to give him a big hand. We are basically Kings United FC, which is a very old club, which basically focuses on individual training. Now, what is individual training? Individual training is nothing but preparing players for India. As I repeat, India. So it starts with state level, and then we go ahead to the Indian level, Indian national level. In this, we work on the strengths and weaknesses of our player, and we have already proven players. We have Carsten D'Souza, an India camp player of the under 15. Put your hand up. Please give him a big hand, please. We have Shia Suryapalli, who is the captain of the team. He's a national player. Please give him a big hand. We have Piyush Gupta, who is also a national player and also a hard-working player and has played many tournaments in the Development League. Give him a big hand. We have even a gentleman, what's your name, please? Nikhil, who is a Durand Cup player, which is happening now. So please give him a big hand. We have a lot of players, Damodar, Pratham, Vedant, who is amazing, and they are all very talented. What's the stepping stone is what the Cinematographer Association has done, is given us an opportunity to show our talent. So hats off to Mr. Jeet and team. Give them a big hand. Thank you very much. Firstly, I'd like to start. This is my best friend, Brownie. So his dad, Aditya Gaikwad, his dad is a choreographer. So he is the president of the association. So he has a tournament host. He told us 10 days prior ki tournament host hone wala hai, to tu teri team leke aa jana. Maine bola theek hai, sure. Itna bada opportunity, no one wants to miss it. So we tried ki jyada se jyada player hum log ikatte kar sake, but we couldn't because everyone had their own plans. Yeah. So they couldn't. So ye independent team hai, theek hai. To aisa nahi ki team ki chemistry kuch jyada strong hai. Ek dusre ke sath hardly jyada khele hai. To ek do game khel chuke ek dusre ke sath. Starting with him, he is Aditya Gaikwad, the goalkeeper of our team. He is Aryan Irve, the center back of the team. Yes. He is Jorsey. Yeah, he is Makhit Kadam, left back of the team. He is Aditya Sawan, forward. And he is Ishan. My name is Ishan Paste. I am attacking midfielder. Yeah. Oh. Thank you so much. Longinus Fernandez chalu karenge vartalap, fir main continue karunga, fir meri team apni team continue karegi. बोलो लॉन्जी सर, हाँ, ये जो हो रहा है आज के दिन के हिसाब से इंडिपेंडेंस के नाम पे, ये उन लोगों के लिए जो शायद इंडिपेंडेंट इतना ना हो, दे आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट, तो हम लोग ये फंड रेज कर रहे हैं. नेम्स की जितने बड़े बड़े दिग्गज नाम लोग आपने देखा है, सब नामचीन लोग हैं, जैसे कि अभिषेक बच्चन साहब लाने वाला इस मंच पर, ये इनका बहुत बड़ा हाथ रहा, बहुत बड़ा योगदान रहा. तो उनके लिए हम लोग वाकई में बहुत खुश हूँ, मैंने आया शुरुआत में, बट नाउ ऑन द फील्ड दे हैविंग अ बॉल, सो थैंक यू वेरी मच सर. अपार शक्ति, करण वाही, कबीर खान, डीनो मौर्या, अभिमन्यु भी जो एक्टर भाग्यश्री का बेटा है, उनको भी रिक्वेस्ट किया. एवरीवन केम टुगेदर एंड आई वाज एक्साइटेड. एंड इफ्तिका, आई थिंक द ग्राउंड इज सुपर्ब, गिविंग मी दिस यू नो प्लेटफॉर्म टू आस्क पीपल, माई फ्रेंड्स, एंड गेटिंग द टीम टू गोल सेव करता था. और हम लोग का ये बॉन्ड बन गया एज अ टीम, तभी बॉस्को सीजर बॉलीवुड में आए, बिकॉज वी आर एज अ टीम, वी प्लेड टुगेदर एंड वी हैव सर्वाइव्ड द फुटबॉल. कॉलेज में भी हम लोग ने चैम्पियनशिप जीती, स्कूल में भी जीती, अभी ये प्लेटफॉर्म में आफ्टर आई थिंक आई एम 50+, ही विल बी 50, तो मज़ा तो है फुटबॉल में, खाली अभी माहौल बना. सच्ची मेरे लैंग्वेज में फट गई थी. हम सबके लैंग्वेज में फट गई थी. तो लेकिन मज़ा आया. आई थिंक रेस्ट यू नो इज, you can ask Bosco. Bosco will come and play the finals. He's a star. He will always be a star. Happy Independence. करेंगे जय जय शिव शंकर. For example, गाना तो हिट हुआ, सुपर हिट हुआ, रॉयल्टी थोड़ी मिलता है. करता हूँ ये करता हूँ, मैं थैंक यू बोलता हूँ. दे आर आर बैकबोन असिस्टेंट्स, दे आर बैकबोन. इफ यू डोंट सपोर्ट आर टीम, तो जैसे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ. वी वर्क इन अ मूवी एज अ यूनिट, एज अ क्रू, सो वी आर, इट्स आर टीम ना. कोई पिक्चर हिट होती है. थैंक यू.
इंट्रोडक्शन देना पहले। शुक्रिया। हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो सर जैसे जिस सर ने कहा उसी हिसाब से हम लोग आग करना चाहिए ताकि हम उनके लिए बहुत कुछ कर सकते। कर रहे हैं नहीं, हम कर भी चुके हैं उनके लिए कुछ बहुत कुछ, तो अगर उनका सपोर्ट मिलेगा तो और बहुत कुछ हो सकता है एसोसिएशन के लिए। इतना ही। नंद जी, मेरा नाम, इसमें हमारा सोशल वर्क भी करना चाहते हैं हम, सबको एक इकट्ठा बोला के जो बिल पर हो चुके हैं अब काम नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए वो योजना है कि महीने का 5,000 रुपये की पेंशन आती है, तो उसके लिए हमने कोशिश की थी, 12 लोगों को शुरू हो गई, इस बार और 10-11 लोगों की शुरुआत है। हम डांसरों को भी जोड़ना चाहते हैं, तो इफ्टिका के दर्जे ये सब काम हो जाए ये मेरी बहुत इच्छा है। और ये जितने न्यू जनरेशन के लोग हैं हमारे, ये बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, बहुत काम कर रहे हैं, नया नया कुछ ना कुछ तो प्रयोग करते रहते हैं। आगे भी दिमाग में आया है मेरे कि कुछ और डांस कॉम्पिटिशन्स ये वगैरह ऐसा कुछ भी करके इनकी मदद से मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। थैंक यू। मेरा नाम किरण गिरी है, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ इन इफ्तिका का। ऐसे इवेंट करके वही जैसे अपना जैसे नरेंद्र सर ने कहा, हम फंड इकट्ठा करेंगे और हमारे जितने भी ज़रूरतमंद है उनको हेल्प करेंगे। ये कोशिश हमने पिछले साल MFCL क्रिकेट जो हम लोग ने स्टार्ट किया था उसके थ्रू स्टार्ट किए थे। ये फर्स्ट था, ये हमारा सेकेंड ईयर है जहाँ पर हम लोग ने फुटबॉल इवेंट किया है। पहले क्रिकेट किया था, अभी फुटबॉल इवेंट करेंगे और हम लोग चाहेंगे कि ऐसा इवेंट होते रहे। हमारे जो फिल्म स्टार है जैसे अभिषेक बच्चन, वहाँ के उनके अभिषेक बच्चन, सुनील शेट्टी, टाइगर श्रॉफ, इन्होंने हमें फ़ंड किया है, हमें डोनेशन दिया है इस इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए। और रहा मेहनत के लिए, हमारे ऑफिस बेरर जो काफ़ी मेहनत से, अभी जैसे ये हमारे ग्रुप में काफ़ी सीनियर मोस्ट मेंबर है नरेंद्र जी, पिछले 50 साल से वो इस इंडस्ट्री में और मैं पिछले 25 ईयर्स से इस इंडस्ट्री में हूँ। तो देखा जाए तो हम लोग का जर्नी काफ़ी है, लेकिन इस जर्नी में हम लोग ने देखा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसे की काफ़ी ज़रूरत है, तो छोटे छोटे भले छोटा छोटा अमाउंट हो लेकिन एक हेल्प हमारी तरफ से जा रहा है और होप कि ऐसा हेल्प हम लोग आगे भी करते रहे। थैंक यू। कोरियोग्राफर्स एसोसिएशन, तो एसोसिएशन का मतलब है इट्स अ कम्युनिटी सर्विस, तो जो लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन, तो एक्सप्लॉयटेशन किसी का ना हो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम काम करते हैं और देखते हैं कि सबको अपना सहूलियत रहे, किसी को मदद पड़े तो हम आगे बढ़कर वो करें, तो हम सब मिलकर वही कर रहे हैं। ये इवेंट भी उसी के लिए है, बस यही है, बाकी सब लोग ने सब बता ही दिया है। तो हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, उसके वजह से गाने जो मुझे आगे नहीं बोलना है, मगर जो अभी जीत ने कहा और सीजर ने कहा ये चीज़ गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ये होना चाहिए।